प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर के पास आकर उनकी दया और करुणा की मांग करने के लिए यहां एकत्रित हैं। तो आइए हम उस उड़ाव पुत्र के समान नम्रता से भरकर, प्रेम से भरकर पिता के पास हम उपस्थित हो जावे। हम इस सच्चाई को ध्यान में रखें कि हम ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, दया की मांग करने के लिए यहां एकत्रित हैं। इसलिए अपने आप को इस प्रार्थना के समय में पूर्ण रूप से उनकी उपस्थिति में रखने की कोशिश करें। साथ ही आइए हम हमारी मां मरियम से और अन्य संतों से भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करें। यहां स्क्रीन में आप देखिए या अपनी आंखों को बंद करके क्रूसित प्रभु को अपनी आंखों के सामने लाइए। उनको देखिए, उनके लहूलुहान शरीर को, उनके क्रूस को देखिए। हम इसी के बदले में ही पिता से दया, करुणा और अन्य जो भी मांग लेकर हम आए हैं वो सब हम मांगने वाले हैं इसके बदले में। इसलिए प्रभु के प्रति विशेष प्रेम प्रकट करते हुए भी हम यहां उपस्थित हूं। आज की इस दया की विनती को हम पिता के नाम की पवित्रता हर व्यक्ति मानने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को भी जरूर रखिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरे पुत्र के दुखभोग और मृत्यु के पुण्य फलों को लेकर तेरे सामने उपस्थित होकर तेरी दया और करुणा की भीख मांगते हैं। हम उन्हें तेरे श्री चरणों में अर्पित करते हुए तेरे नाम की पवित्रता हर व्यक्ति मानने के लिए और यहां उपस्थित आपकी इन सभी संतानों की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के लिए भी आज की इस दया की विनती को हम चढ़ाते हैं। हे अति मधुर यीशु, तू मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत, अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में वह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। प्रेरितिक धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह दूतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा,
देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ।
प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारे सब दोस्तों का अभिषेक कर। तू हमें अपना बनाकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।